तो अपनी जो टिकट्स है आज की वो है हॉस्पिटैलिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था केकेआर वर्सेस आरआर, और उस टाइम पे यूजी भाई भी थे बट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और आज भी नहीं कर रहा हूँ। आज हमारा पहला मैच जीतना है भाई सीजन का। लेट करा दिया आपने। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog with a solar jalsa with intensity. बहुत सारा सामान है मेरे हाथ में, इतना लेट करा दिया आपने, पता है आपको? ये करना है, वो करना है, कॉफी चाहिए, चाहिए वो चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। फर्स्ट टाइम मैं मैच देखूंगी ग्राउंड में बैठ के, स्टेडियम में। अच्छा, ग्राउंड में बैठ के देखोगी? नाइस यार, मैं ग्राउंड में खेलते स्टेडियम मतलब भाई, सॉरी कट करना नहीं। ए, देख रहे हो इसको? क्या बताओ, बस मेरे साथ यही हो रहा है लाइफ में। आई नीड टू फाइल नहीं, अब नहीं होगा भाई, नहीं, अब नहीं हो रहा। जा मत जाओ फिर गाइस, दो टिकट है किसी एक को आना हो तो बता दो। मेरे साथ गलत होता है। गलत क्या, सच होता है? सच गलत होता है। जल्दी चलो यार, लेट हो जाएगा, गाड़ी भी चलानी है। ये देखो वार्डरोब इसका, बहुत क्लियर बॉर्डर होगा इसका तो। नाइस वन यार, आई लव इट भाई। भी गाड़ी चला के हम लोगों को जाना है, वहाँ मैच देखेंगे सवाई मान सिंह स्टेडियम में, दिल्ली वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ऊपर से कल का मैच आप में से किन किन लोगों ने देखा भाई? बहुत बड़ा मैच हुआ है कल, 277 रन बने हैं यार। और आज तो ऋषभ पंत की बैटिंग देखने के लिए, यश की प्लेइंग मिलने के लिए, हर चीज के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। बहुत टाइम बाद एक तो मैच देख रहे हैं, दिल्ली में WPL देखने जाने का मैच। हाँ, दिल्ली में मैचेस भी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि WPL हुआ था और उसकी जो पिच क्यूरेट हो रही है उसको टाइम लगेगा। सेकंड लेग में होंगे दिल्ली में मैचेस IPL के, तो तब तक के लिए मैं तो वेट नहीं कर सकता। अभी दिल्ली राजस्थान था, मैं सोचा देख के आते हैं, जयपुर पास में ही है, गाड़ी से जा रहे हो तो छोटी सी रोड ट्रिप भी हो जाएगी और मैच भी देख लेंगे। देखा नहीं आज तक, वैसे अभी आजकल देखती है मेरे साथ मैचेस। लेट्स गो। अभी हम लोगों के लिए यहाँ से है 220-230 किलोमीटर कुछ, और तो अब हम लोग आ चुके हैं बड़े हाईवे पे, जहाँ पे सिर्फ सीधे सीधे ऐसा ही रास्ता है भाई। ऐसा तो नहीं मतलब इससे और खुला है, अभी तो हम लोग जैसे एंटर ही करें। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, जब मुंबई के लिए रास्ता खुल जाएगा ना पूरा, अभी तो शायद बड़ोदरा तक खुला है, ये जब आखिरी तक खुल जाएगा भाई 10-11-12 घंटे के आसपास हम लोग मुंबई मारा करेंगे गाड़ी से। क्या बातें होती है, हम लोग क्या सोचते हैं और ये क्या सोचती है बताओ। मतलब मैं इसने घर पे 3 या 4 टॉप चेंज करे हैं और अभी भी ये लेके आई है 2 या 3। मैं 2-3 लेकर आई हूँ और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं ये पहन लेती हूँ, इसमें ज्यादा अच्छा फील करूंगी। तो प्यारी क्वालिटी आ रही है, अब देख रहे हो फर्क, देख रहे हो? हाँ। एक अच्छे इंसान का फोन और एक हाईवर्ड, जो हाईवे बना दिए ना नितिन गडकरी ने, मतलब इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया, ऐसा लग ही नहीं रहा भाई। इंडियन हाईवे है सारे, तो खुले खुले तो प्यारे रास्ते हैं। मतलब हम लोग 2 घंटे में अभी बस जयपुर पहुंच जाएंगे, फिर मैच देखेंगे, समझ जाओ ना। नहीं समझना, समझो भाई, ये मेरे साथ ना कोई भी अच्छे ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। अमीषा मेरे को चूटी काटती है, तू मुझे ऐसे मार रहा है। नहीं, मेरे को और अमीषा कंपेयर करोगे? नहीं, मैं ये चाहती हूँ तुम, और मैंने क्या करा? मैं क्या बता, ये भी पता चलेगा अमीषा आपको चूटी काटती है। मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, एक भोली भाली लड़की के साथ सब लोग? ये थोड़ा सा इसने गलत बोल दिया एडजेक्टिव, बाकी तो ठीक था, अभी तक ब्लॉग ठीक चल रहा था। मेरा पहला लाइफ का मैच है और आज ना मैं केस बहुत सारे Q&A करने वाला हूँ। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इस फील्ड को क्या बोलते हैं, वो कौन है, ये कौन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अदरवाइज मैं दूसरी सीट पे चली जाऊंगी, मैं Q&A के लिए नहीं जा रही हूँ, ठीक है? मैं मैच एंजॉय करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ क्रिकेट की नॉलेज बढ़ा दूंगा। मेरी बड़ी हुई है, मेरे को मत बताओ। एक नॉन क्रिकेट फैन को क्रिकेट फैन में कन्वर्ट कर दिया है केतन ने ऑलमोस्ट। कल तो भाई 277 रन बना दिए, आज भी कुछ ऐसा हो जाए, आज 290 बन जाए यार। कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग, जो कल बंदा मैच देखने गया होगा, छक्के चौके बॉल तो कैच ही कर रहे थे वो लोग, ऐसा लग रहा है ग्रेविटी कम हो गई, जैसे आकाश चोपड़ा बोल रहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो ऐसे ही बोल रहा था। बट मेरे को भी यही, मैंने भी कल केतन को यही बोला कि सोच हम लोग देखने जा रहे हैं और तेरे हाथ में से बॉल आ रही है, कैच कर रहे थे, मेरे हाथ में नहीं आ सकती, देखना। लकी मैकडे देखा है अभी यार, बट हम क्या करेंगे अभी खा के? डोमिनोज भी है देखो लेफ्ट में, बोरा तो आप लोगों तो सही कहीं पे करें। यार मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जयपुर ही कुदा दूं गाड़ी। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह एक्ट कर रहा है, पता स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है भाई, टाइम पे पहुंचना है। यार देखो मैं रोक लूंगा, बट पॉइंट यही है कि यार अभी मेरे को पता नहीं, एक बार बताओ, मेरे को पता था, एक बार बताओ, वो जो कट गया तब बताया आपने कि मैकडे में रोकना है, मेरे को जाना है तो मुझे टॉस भी मिस, यार टॉस मिस। यार एक बार बताओ, आप अगर मैच, आपके पास मैच टिकट्स है, आपके पास टाइम के पहले हर चीज हो रखी है, आप जा रहे हो वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँच जाओगे, तो आप टॉस मिस करोगे? खुद बताओ, मैंने कमेंट में बताना है प्लीज। मैं बोलूं नहीं, हम लोग ना 3:30 तक पहुँचेंगे एंड देन वहाँ पर हम लोग रेस्ट करेंगे 1 घंटे।
घंटे के लिए कि आराम से रेस्ट करके चलो, बिकॉज हमें काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ बैठना है. मतलब इसका है कि 6 बजे चलो, 6 बजे चलो. मैच है भाई. टीचर चुप करो भाई. मैच है भाई. टीचर क्या होता है? तो टीचर वो मैमड़े मैमड़ी होता है. मैमड़ा है ना तू. I need justice यार. तब से strict एकदम ऐसे. अरे अभी रोक दूंगा. मेरे को पता नहीं था मैकडी आने वाले. मैंने जब तक आपको बताया तब तक जा चुका था. No point मैकडी का नहीं है. Point जिसका है, you know that. किसका है? 6 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है, 6 बजे पहुंचना है, टॉस मिस नहीं होगा, 7 यार listen please. लाखों लोग आएंगे. अगर इस चीज के लिए टीचर बोल रहे तो let it be there. मैं strict टीचर कोई दिक्कत नहीं है. कोई नहीं. इसके कहने के अकॉर्डिंग ये कह रही है 7 बजे हम लोग एंटर कर सकते हैं. 7 बजे टॉस हो जाता है यार. तो क्या हो गया? वो प्लेयर की एंट्री, प्लेयर की प्रैक्टिस, हर चीज देखो भाई. उसको बोलते हैं मैच देखना. सुनो आप ना, गाड़ी पार्क करना और आप सीधा स्टेडियम चले जाना. मैं कैब से आ जाऊंगी. मुझे भीड़ में खोने का शौक है, ठीक है? मुझे हजारों में घुसने का शौक है यार. नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है. क्या हो रहा है अबे? क्यों हो रहा है? टीचर हम लेट तो नहीं है ना? अरे बहुत ज्यादा बोल रही है यार. हम लेट है गाइस. भी लग रहा है कि 7:30-7 बजे के आसपास एंटर कर सकती थी स्टेडियम. बट बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जिसको टॉस सामने से देखना है. मैं अकेले क्यों नहीं आया मैच देखने के लिए? और मैं किसी और इंसान के साथ क्यों नहीं आई है मैच देखने के लिए? तूने अकेले क्यों बोला? तो तूने क्यों बोला? टूट गया मैं तो अब. बट हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है गाइस अभी तक. आई डोंट थिंक सो हम एक भी स्टॉप लेंगे. ओ या केतन गिफ्टेड मी दिस न्यू बैग. इट्स ये हटाना है केतन. हाउ यू डूइंग? सो ये इसमें फ्रेंड्स के सारे डायलॉग है कि उनागी. ये सेंट्रल पार्क वाले कैफे का लोगो भी है. जोई बोलता है हाउ यू डूइंग. ये उनका फ्रेम है जो डोर पे लगा होता है. एंड यहाँ पे लिखा है आई विल बी देयर फॉर यू उनागी. I'm a friend's lover. अब बता दो, ज़्यादा जेठालाल नहीं देखते आजकल आप? Guys, करो ना तारक मेहता वाला को merchandise gift. मैं सच बता रही हूँ, दो चीजें हुई है. मेरा क्रिकेट में जो इंटरेस्ट है वो भर चुका है यहाँ तक. और तारक मेहता, मतलब पहले मैं फ्रेंड्स देखती थी, अब मैं तारक मेहता देखती हूँ. एक हिंदी में सिटकॉम है और एक इंग्लिश में सिटकॉम है. आप देख रहे हो केतन के उसमें मैं कितने ढले जा रही हूँ. केतन का ढलना हो नहीं रहा है. ढल रहा है. आप कुछ नहीं ढलते हो. आप रहने दो. टीचर रहने दो आप. बट सच में आपने बॉल कैच कर ली ना आज तो. मुझे लग रहा है आज आप डांस आप मेरे साथ जा रहे हो ना तो लकी हो आज आप. तो आपके साथ आज अच्छा अच्छी चीजें रहेंगी. यार पहली बात तो देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से स्टेडियम बना हुआ है, क्योंकि हर स्टेडियम एक डिफरेंट वाइब देता है, हर एक जोन डिफरेंट होता है. मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहली बार सवाई मानसिंह में कोई मैच देख रहा हूँ. एंड ओवर देन दैट मैं के साथ जा रहा हूँ. एंड मेरा फर्स्ट मैच है गाइस. कैन यू बिलीव इट? पहला क्रिकेट मैच मैं देख रही हूँ स्टेडियम में. पार्टी होती है यार आईपीएल में. जिन लोगों ने भी अभी तक मैच नहीं देखा आप लोगों को दिखाता हूँ. वैसे तो यूजुअली आप लोगों ने देखे हुए. लास्ट टाइम आरसीबी सीएसके देखने गया था और इस साल आरआर वर्सेस डीसी. अभी और मैचेस हैं आईपीएल में तो शुरुआत है. आई थिंक हम लोग और मैचेस पक्का देखने जाएंगे. दिल्ली में होगा तो पक्का. दिल्ली में सेकंड लेग में होगा. अभी तो अभी ग्राउंड बन के रेडी हो रहे हैं. अरे नहीं नहीं भैया नहीं चाहिए. मेरे पास ओरिजिनल वाले हैं. ओरिजिनल वाले मेरे पास. चला कर देखो इसे भी. अरे नहीं थैंक यू भैया. हम लोग बस जयपुर अभी टोल क्रॉस कर रहे हैं. एंड हम लोग जयपुर एंटर करते ही हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं प्लेयर के पास जाने वाले भाई. टीचर प्लेयर से मिलेगा तो अभी सोचो हम लोग यश को पहले ही रोक ले. मैच में जाने ही ना दे. ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ. टीचर बहुत बेकार बात करी आपने. सुनो टीचर मत बोलो. रोके हम उसको. खेलना उसको खेलने देना. मेरे पहली बार हो गया यार मेरे साथ ऐसा. मैं किसी प्लेयर से मिल रहा हूँ मैच में जब वो खेलने जा रहा है. उन्हीं के प्लेयर होटल पे जा रहा हूँ. ऑल्सो हाँ मैं मैच वाला जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा जो इसके बाद आएगा. ये तो नॉर्मल व्लॉग है भाई. हम लोग अभी मिलेंगे. बहुत सारी चीजें होने वाली है. एक्चुअली थोड़ा सा टाइम से हट रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि 6:30 घर से निकलेंगे. ऐसा सुनना होता है? ऐसा सुनना होता है? बताओ. Who is calling? यश का वीडियो वाला है भाई. यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की किट बैग वगैरह पड़ी हुई है. शायद से टीम किट होगी जो फील्डिंग वगैरह वाले गियर्स होते हैं. राजस्थान की टीम का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है बट हाँ दिल्ली के किट बैग्स दिख गए मेरे को. और राजस्थान के किट बैग इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो थे ही दूसरे होटल में. यहाँ पे सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर थे और टीम मैनेजमेंट. उसके रूम में जा रहे हैं. थोड़ी सी पूछताछ करेंगे अंदर. नमस्ते भैया. तो ये पूरा होटल तुम्हारा ही है? मतलब यार फ्लोर डेविड वॉर्नर का कहाँ पे भाई? उनका फ्लोर अलग है. एवरी डिटेल ऑब्वियसली यार. हाँ वो तो कहते थे धोनी वाला फ्लोर ढूंढ रहे थे बट उनको जयशाह वाला रूम मिल गया. नाइस यार होटल तो अच्छा है ये वाला ITC राजपुताना. इसने तो नहीं करा होगा. करवाया होगा इसने.
नाइस रूम है भाई। मैं पहली बार आ रहा हूँ यश, सच बता रहा हूँ मैं, किसी प्लेयर के रूम में। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, ऐसी चीजें फैली हुई है क्रिकेट वाली। नाइस है। लॉकडाउन में तुम लोगों को इंडिविजुअल मिलते थे ना? अकेले ही है अभी भी। अकेले ही है रूम टूर ले लो। बस देख रहा हूँ भाई चीजें, ये देखो कितना शानदार बैग है भाई। आज मैं डीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसको छूंगा नहीं, वापस रख देते हैं। व्यू देखा जाए यहाँ का, व्यू तो बहुत अच्छा है। या इसमें अच्छा क्या है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बट यूजी भाई के लिए आज फिर से सॉरी लग रहा है यार, मैं आरआर को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम केकेआर और आरआर का मैच था, और एक ब्लॉग है मेरा सॉरी यूजी भाई करके वाला जो वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखो, बहुत फन करा था हम लोगों ने। एसएटीएल वालों के साथ ही गए थे। बाकी आज तो भाई डीसी जीतेगी ब्रो, क्या लगता है? मैं वहां पे जाके जब मैं जाऊंगी तब देखूंगी, तब मैं बताऊंगी कौन जीतेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आप देख लेते हो फिर आप बताते हो। जैसे कल हम बता पाए थे कि कौन जीतेगा। आपको पता है स्कोर कैसे चलता है और कौन जीत सकता है कौन हार सकता है? आपको पता है मेरी जो मैथमेटिक्स है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा क्रिकेट का एनालिसिस करते हो आप दिमाग में? लेवल अप यार, ये लोग शायद ना 5:30 बजे के आसपास निकलने वाले, इनकी टीम बस यहाँ से होटल से। अगर टीचर केतन हमें टाइम से पहुंचा दे। यार इसका टीचर केतन खत्म नहीं हो रहा है भाई। थक चुका हूँ गाइस, मैं पक चुका हूँ मैं, वो तो रोक लो। तो अपनी जो टिकट्स है आज की वो है हॉस्पिटैलिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था केकेआर वर्सेस आरआर, और उस टाइम पे यूजी भाई भी थे, बट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था और आज भी नहीं कर रहा हूँ। यूजी भाई को कल मैंने टेक्स्ट करा था, आऊंगा तुम्हारा मैच देखने के लिए। अच्छा अच्छा, बड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे यूजी भाई आपको, आज जीतेगी डीसी। आज हमारा पहला मैच जीतना है भाई सीजन का। आज हम लोग YD22 पहन के फोटोज क्लिक कराएंगे। ये पता है पहले पिंटरेस्ट पे बैठी हुई थी और ऑप्शंस ढूंढ रही थी कि कौन सा पोज हम लोग करेंगे, इसकी प्रिपरेशन वो हो रही थी, इसका विजुअलाइजेशन चल रहा था। ओके तो हम लोग तो अभी निकल रहे हैं स्टेडियम के लिए। इसे रुका नहीं गया, इसने अभी खोल लिया। फुल स्लीव वाली मैं पहनने वाला हूँ, पहले बोल रहा हूँ मैं। नहीं अभी डिसाइड हो गया है वो यार, के ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं होगा। अभी तो हम लोग ऑन टाइम है, हम लोग आराम से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही मैच देखने के लिए जाएंगे, और हमारी जो टिकट्स वो भी अच्छी हैं, तो कोई ऐसी भीड़ वगैरह नहीं होगी। थैंक्स टू यश फॉर गिविंग अस टिकट्स, सच अ नाइस जेंटलमैन। और जयपुर में आया बहुत गर्मी भाई, गर्मी। ऑल्सो अभी यश अपना आराम से एक जिम वगैरह से होके आया था, वो अब रेस्ट करेगा एंड मैच वगैरह के लिए निकलेंगे वो लोग। शायद टीम बस 5:30 या 5:40 के आसपास निकलेगी उन लोगों की। मैप ठीक चल रहा है ना भाई? हाँ, तो हम लोग उसको थोड़ा सा अपना मी टाइम दे के आ गए हैं, बाकी देखते हैं ग्राउंड में। चलो गाइस अभी वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना फॉर द नेक्स्ट व्लॉग जो हम लोग डालेंगे, मैच व्लॉग। टिकट्स वगैरह देखेंगे, मैं तो पहली बार जाने वाला हूँ सवाई मानसिंह में, और उसमें होने वाली है हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी। वो तो मैंने टीचर को बोला था, आप टीचर थोड़ा ना, अब तो आप मेरे हस्बैंड हो गए हो ना, अब आप बिहेव सही कर रहे हो ना। तो मैं बिहेव पहले भी अच्छा ही कर रहा था, वैसे केतन टीचर पे चिढ़ता है। सो गाइस अगर किसी को कभी कुछ चिढ़ाना हो तो यू नो, कोई नहीं, मैं उसको फिर अच्छे से ले लूंगा, मैं टीचर हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों होमवर्क करके आना, समझ में आ रही है? चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना, ऑल बाय, टेक अ पीस आउट, बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Boring, but I'm sensible, ठीक है? Excuse me, you're not more sensible than me. हम लोग बहुत जाएंगे, फोन तो मेरे वही फोन है, जिस फोन में मैप चल रहा है उसी से व्लॉग हो रहा है। Because obviously मेरे फोन की क्वालिटी इसको पसंद नहीं आती है, क्योंकि बहुत बेकार है।